अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो बेसिकली आज संडे है अगेन, और संडे जो है वो नॉर्मल दिनों से ज़्यादा बिजी गुजरता है। सो अब जब सुबह उठे हैं, आपने व्लॉग के स्टार्ट में देखा कि बारिश बहुत तूफ़ानी हुई है आज, और बहुत तेज़ बारिश थी। तो अल्लाह ताला ने खास करम फरमाया, पीछे प्लांट्स देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहे हैं, पानी जो है इनको बारिश का लगा है, तो बारिश का पानी जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त होता है इन पौधों के लिए। वो अभी इंजॉय कर रही है, यहाँ पे साइकिलिंग कर रही है। दनीन बेटा गर्मी बहुत ज़्यादा है इधर, अरे छाँव में आ जाओ, इधर आ जाओ छाँव में, हाँ पीछे छाँव में आ जाओ। तो जी मैं आपको प्लांट्स दिखाता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त जो है वो ये लग रहे हैं। आप देख सकते हैं इनकी ग्रीनरी, हर चीज़ बड़ी ही ज़बरदस्त और बड़ी ही मतलब जैसे बिल्कुल आप देख सकते हैं खिला हुआ एक हंसता हुआ प्लांट जो है वो ये लग रहा है, क्योंकि जब ज़ाहिर है जब ऑर्गेनिक चीज़ मिलती है इन्हें तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगते हैं। ये आप देख सकते हैं, और ये जो है वो बटरफ्लाइज भी यहाँ पे हैं, और ये जो है हमने यहाँ पे मिट्टी वगैरह रखी हुई है ऑर्गेनिक मिट्टी इन पौधों के लिए, और आप देख सकते हैं कि कैसे माशाल्लाह से ज़बरदस्त लग रहे हैं। और मैंने जब सुबह देखा है उठ के तो सोलर वॉश होने वाला था, लेकिन सोलर भी जो है वो वॉश हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है, क्योंकि इसको मैंने वॉश करना था लेकिन ये नेचुरली वॉश हो गया है। चुटकियाँ दे दूँ? चुटकियाँ आपने क्या करनी है? तो शूज़ तो आप सीधे कर लो, शूज़ आपने उल्टे पहने हुए हैं, शाबाश। चुटकियाँ लेनी है? ओके तो जी दानीन को मैंने चुटकियाँ देनी है, चुटकियों के साथ खेलती है वो, जा रही है दानीन चुटकियों ले के। सो दानीन बेटे धूप में नहीं जाना, छाँव में आ जाओ, छाँव में आ जाओ। सो जी अभी मैं जो है वो सोलर है ये ना, इसकी ये जो जालियाँ देख सकते हैं आप, इनमें कितनी ज़्यादा मिट्टी है, तो ये मिट्टी इसको साफ़ करते हैं और साफ़ करके इनको दोबारा जो है वो लगाते हैं। तो जी इनको मैं उतारता हूँ और फिर जब वॉश करके लगाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा मैं। तो जी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से उतारा है, तो यहाँ पे मिट्टी कितनी ज़्यादा है इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, और ये चीज़ है जो जालियाँ लगी हुई थी इनकी आप हालत देख सकते हैं। सोलर में 100% एफिशिएंसी में इन्वर्टर का जो है वो बहुत रोल होता है। सो अगर इन्वर्टर की अच्छी एफिशिएंसी चाहिए तो इसकी जो जालियाँ जो कि वेंटिलेशन वाली जालियाँ वो साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि उससे इसको जो है वो हवा मिलती है। और ये देख सकते हैं आप इनका हाल, देखें बिल्कुल मिट्टी से कैसे स्टक हुई हुई हैं, अभी इनको वॉश करेंगे, वॉश करके लगाएंगे। सो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने पहले ये कितने गंदे थे, मैंने इन्हें साफ़ किया अच्छे से, और इसमें कितनी मिट्टी थी मैंने आपको पहले दिखाई है। सो अब मैंने ये साफ़ कर दिए हैं अच्छे से, और अब हमारा सोलर जो है ये भी मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर दिया, देख सकते हैं ये कितना गंदा था, मैंने इसको भी साफ़ कर दिया। और अब जो है वो हम इनको सोलर में जो है वो फिक्स करेंगे ताकि जो सोलर की वेंटिलेशन है वो बेटर हो जाए। सो जी सक्सेसफुली जो है वो इंस्टॉल्ड हो गई हैं दोनों साइड्स पे, एक इस साइड पे भी मैंने अच्छी तरह से स्क्रूज़ कस दिए हैं, और उसके बाद जो है वो इस साइड पे भी मैंने जो है वो स्क्रूज़ कस दिए हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर जालियाँ बिल्कुल नीट एंड क्लियर एंड साफ़ हैं। सो इससे इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हमारा जो सोलर है ना वो बड़े अच्छे से फ्लुएंटली वर्किंग करेगा, इसका टेम्परेचर भी हाई नहीं होगा और इसको प्रॉपर वेंटिलेशन भी मिलती रहेगी। सो जी ये दानीन अब यहाँ पे मैं चूँकि सोलर जो है वो ठीक करके साफ़ करके, ठीक तो नहीं साफ़ करके इन्वर्टर को जो है फ्री हुआ, तो दानीन ने मुझे कहा कि बाबा मैं तो नहीं नीचे जा रही, मैंने तो इधर खेलना है। तो दानीन अब क्या कर रहे हो? बच्चों की मासूमियत चेक करें आप, हर चीज़ मिल जाए उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। ये तो दानीन चुटकी हैं कपड़ों को लगाने वाली, इनके साथ आप क्या खेल रहे हो? आपका टॉय थोड़ी है, ये आपका टॉय तो नहीं है बेटे। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें। सो जी हमारे घर में जो है वो कुछ मेहमान और भी थे जो कि आपको दिखाने थे, ये मैंने उनके लिए खाना शाना रखा था इधर इस जगह पे,
मेहमान से मुराद बर्ड्स आते हैं यहाँ पे हमारे ना, हम उनके लिए खाना रखते हैं और वो खाना खाने आते हैं। वो नीचे भी आते हैं, वो नीचे भी बैठे होते हैं, वो बर्ड्स भी मेहमान है, वो नीचे भी मेहमान बैठे होते हैं। हाँ जी, मेहमान कई तरह के होते हैं। नीचे भी बैठे होते हैं, ऊपर भी बैठे होते हैं। ओके 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 ओके। जब मम्मा का बताना होता है व्यूवर्स, तब मैंने अपनी मम्मा का बताना है कि मुझे शिशु हुआ है। अंदानी नची बची है। सो जी, ये आप देख सकते हैं कि ये नन्हे नन्हे मेहमान जिनकी हम खिदमत करते हैं फाइनली आ गए हुए हैं। ये मेरे ख्याल से ये बुलबुल हैं, और ये दानी इधर आ जाओ, इधर उन्होंने उड़ जाना है, उड़ जाना है, इधर ही बैठो। ये देखें जी, ये खाना खा रहे हैं और काफ़ी काफ़ी किस्म के यहाँ पे जो हैं वो बर्ड्स आते हैं, मतलब उनमें स्पैरोज़ हैं, डव्स हैं, काव मतलब क्रोज हैं, काफ़ी तरह के बर्ड्स आते हैं। सो अल्लाह ताला ने अगर आपको भी तौफीक दी है तो आप भी, ज़्यादा नहीं लगता थोड़ा सा ही लगता है, तो आप जो है वो इनकी खिदमत कर सकते हैं। क्या पता अल्लाह ताला इनकी खिदमत के सिले में आपको जो है वो काफ़ी चीज़ों से नवाज दें, काफ़ी कुछ चीज़ों से नवाज दें। तो जी, अभी जब दानीन ऊपर छत से खेल के नीचे वापस आई है तो इसकी मामा ने इसके लिए फिश क्रैकर बनाए हुए थे। दानी, व्हाट इज दिस? मामा ने फिश क्रैकर बना के दिए। वाओ, केचप भी फिश क्रैकर। ये जी दानीन के लिए फिश क्रैकर इसकी मामा ने बनाए हुए हैं, अभी दानीन एंजॉय करेगी इन्हें। सो जी, फ़िश क्रैकर इंजॉय करने के बाद दानी ने फरमाइश की जी मैंने साइकिल चलाना है, तो इसके दादा अबू ने उसको साइकिल बाहर निकाल कर दी स्ट्रीट में कि आप चला लो। सो जब साइकिल निकाली तो साइकिल में थोड़ी ख़राबी थी उसके टायर्स में, तो दादा अबू ने फ़ौरन से उसके जो थी ख़राबी उसको दूर किया, क्योंकि बाबा का ये कहना है कि बच्चों को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए कोई भी टॉय यूज़ करते हुए। और हमारे साथ भी बाबा ऐसे ही करते थे कि हमारा जब भी कोई टॉय ख़राब होता था या सही वर्किंग नहीं करता था तो उसको ख़ुद से ठीक करने के लिए जो है वो बैठ जाते थे। आप देख सकते हैं कि बाबा ने उसके जो साइड टायर्स हैं दोनों अनबैलेंस थे, ज़रा से उनको बैलेंस में किया, और बैलेंस में करने के बाद जो है दानीन ने साइकिल बड़े मज़े से जो है वो इंशाल्लाह यूज़ करेगी। और उसके दादा अबू ठीक कर रहे हैं साइकिल, सो दानीन बच्चों के साथ जो है वो इंजॉय कर रही है, अभी बाहर खेल रही है। सो जी, फाइनली आज का दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हुआ, और मैंने मॉर्निंग में आपको दिखाया बहुत तेज़ बारिश हुई, और उसके बाद जो है मैंने सोलर जो है इन्वर्टर उसको मैंने साफ़ किया, उसकी जालियों को, और फिर उसके बाद मैंने आपको दिखाया अपनी पूरी दिन की एक्टिविटी आपके साथ शेयर की। सो ऐसे ही जो है वो डेली दिन चढ़ता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन इंसान के जो काम है वो ख़त्म नहीं होते। सो आप लोग भी कोशिश करें कि जो आपके अंडर यूज़ चीज़ें हैं उनको रनिंग में रखें, और रनिंग में रखने के लिए ये ज़रूरी है कि उनकी सफाई होनी चाहिए और उनकी जो है मेंटेनेंस प्रॉपर टाइम से होनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो चीज़ें वक्त से पहले ख़राब हो जाएंगी। आज के व्लॉग का यही मैसेज था कि आपके अंडर यूज़ कोई भी चीज़ें हों उनकी मेंटेनेंस प्रॉपर और टाइमली करें, ताकि जो है वो चलती रहें और ज़्यादा टाइम गुजारें। सो अगर आपको हमारा आज का व्लॉग जो है अच्छा लगा तो हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा, लाइक कीजिएगा, थम्स अप कीजिएगा, और जो है अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें पता है आप लोगों को शिद्दत से इंतज़ार है हमारे गिव अवे का, हमें टाइम नहीं मिल पा रहा, और टाइम इससे इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि हमने लोग अभी तक सेलेक्ट नहीं किए। 3 से 4 लोग हैं जो हमारे थ्रू आउट मंथ जो है वो कंटिन्यूसली कंसिस्टेंट रहे हैं हमारे तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। सो हम इंशाल्लाह जल्द एक आध दिन में वो लकी ड्रॉ करके अपना पहला स्मार्ट वॉच का लकी विनर अनाउंस कर देंगे। सो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, हमारी वीडियोस देखते रहिएगा, कमेंट्स करते रहिएगा। अब आपके कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम देते हैं, कमेंट्स बहुत कम आते हैं, कमेंट्स कीजिए जो है वो किया कीजिए, ताकि हमें अपना व्लॉग बनाने में बेटर से बेटर जो है वो हम कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।